हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। देखते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है उनके मन में जानने की हम कोशिश करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। सिक्स नंबर भी यहाँ पर आया हुआ है जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ फियर हैं उनके मन में जो कि आपको खोने के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके की सिचुएशन ऐसी है जिसको हैंडल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो। उनको वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जिसमें आपको लेकर उनको डिस्टर्बेंस हो रहा हो कि ऐसे कि आप एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपनी चीज़ों को मानने के लिए। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो रीयूनाइट होने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मशक्क़त कर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है, डिस्परेट दिख रहे हैं, गिव अप करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। हर हाल में बैलेंस लाना है, हर हाल में सिचुएशंस को मैनेज करना है। कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की। और जिनकी इस कॉन्टैक्ट में हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं आपको, खोने से डर रहे हैं। आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाएँ या मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए और जिसकी वजह से आप डिसकनेक्ट हो जाएं, ये उनके अंदर कुछ फियर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगेन ये देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, मैजिशियन का आया हुआ है। मैनिफेस्ट मैंने कहा ना आपको कर रहे हैं, हाई प्रेस्टेस, क्या बात है तीनों। ओह माय गॉड, सन लाइन से मेजर आर्काना आ गए हैं यहाँ पर। लवर, मजिशियन, हाई प्रीस्टेस, सन डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय से हैं, इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर अपने पर्सन का, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपनी दिल की बात को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर भ्रम में थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे यहाँ पर इनको निजात भी मिलती हुई नज़र आ रही है। माइंड बहुत क्लियर हो रहा है सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, इन सिचुएशंस में कैसे निकलना है, कैसे इन पर काम करना है, कैसे इनको देखना है, ये सारी सिचुएशन इनके माइंड में चल रही। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है, रीयूनाइट होने के लिए डेस्परेट दिख रहे हैं, आपके पास आने के लिए डेस्परेट दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस अंदर से मिल रहे हैं जो कि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं अपने मन में कि यस देखो ये तकलीफ़ें हैं, ज़रूर हैं, लेकिन तकलीफ़ों के बाद खुशी कितनी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है। टेंशन पोर्टल भी एकदम करीब है और यस अपने लाइफ में एक कंप्लीशन ढूंढ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना जो भी आपके मोमेंट्स हैं उनको करना चाहते हैं। जिनकी बातचीत चल रही है बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ कहीं डेफिनेटली घूमने जाने का मन बना रहे हैं या उनका मन है कि मैं आपसे कहूं कि आप चलें या एंजॉय करें या क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है उस हिसाब से लें। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन बहुत खूबसूरत एनर्जी में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको खोने से डरते भी हैं और गिव अप की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, बैलेंस की एनर्जी है कि मुझे हर हाल में बैलेंस करना है अपने सिचुएशंस को और अपने पर्सन को साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ पर 333 यहाँ पर 333 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 वीक्स, 6 डेट एंड 6 आवर्स, 3 वीक्स, 3 डेज एंड 3 आवर्स हो सकता है यहाँ पर आपके लिए रेजोनेट कर सकता है आपके लिए सिचुएशन को। बट मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप भी टोटली मैनिफेस्ट करते रहें ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ जल्दी आएँ और आपको एक खूबसूरत तोहफा अपने प्यार का, अपने दिल का दे सकें और आप लोग एक हो सकें। अगर एक हैं तो और ज़्यादा इन्जॉय कर सकें अपनी लाइफ को। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, लेकिन जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।